2 दिन पहले जब हम नुब्रा वैली आए थे ना, हम यहाँ से आए थे इस ब्रिज के ऊपर से, और अभी देखो क्या हाल है। हेलो, इस समय मैं सुमूर विलेज में वॉक कर रहा हूँ। सुबह 5:45 बजे का टाइम है, तो मेरे को लगा एक काम करता हूँ, 15-20 मिनट गांव में वॉक करते हैं और उसके बाद तैयार होंगे, थोड़ा सा घर देखते हैं। क्योंकि अभी से पहले क्या हो रहा था कि हम गेस्ट हाउस से बाहर निकलते थे और घूमने चले जाते थे, तो अब थोड़ा घर देखते 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 वातावरण को समझते हैं, हिल्स कैसी दिख रही हैं। जिस होमस्टे में हम रुके हैं ना, होमस्टे ओनर से भी आपको मिलवाता हूँ। रेक्सिन जी, जुले, अच्छा एक चीज़ बताइए, अभी जैसे आप मेरे को 2 मिनट पहले दिख गए ना, जी, तो आप जो पानी भर रहे थे जी, ये चश्मे का पानी है? जी हाँ, चश्मे का पानी है। ये यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जो पहाड़ के सामने वो जमीन से निकलता है जी। तो जो आपके गेस्ट हाउस में ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स है यही है? जी हाँ यही है जी। और ये सर्दियों में भी जमा, मतलब पूरा पानी सर्दियों में तो जम जाता है, आइस बन जाता है, और ये पानी चश्मे वाला नहीं जमते जी। सुमूर गांव में टोटल कितने घर होंगे? 180 घर हैं। 180? अच्छी जी। और पॉपुलेशन? 600 से थोड़ा ज़्यादा, मतलब 700 करीब जी। 700 जी। यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं जी सर, उनका मेन काम क्या है? यहाँ पर ज़्यादातर फौजी है जी, जो फौजी है, और फौजी रिटायर वाला है, और बाकी तो बूढ़ा बूढ़ी लोग तो ज़्यादा ज़मींदारी करते हैं। अच्छा जी। थोड़ा बहुत खेती होता है? जी हाँ, थोड़ा बहुत खेती होती है। क्या उगता है यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर गेहूँ, अनाज तो पूरा उगते हैं, सरसों उगते हैं, और सब्जी तो सब कुछ होता है जी। सर्दियों में जैसे आपके यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है जी सर, तो गाय को तो इतना ठंडी पसंद नहीं है जी, तो कैसे होता है फिर? सर्दियों में तो गाय, सर्दी तो बहुत लगती है, गाय गाय के लिए घर अलग से होता है, जो नीचे ग्राउंड ग्राउंड लेवल में गाय को घर बनाते हैं, सभी घर में ऐसे गाय का घर होता है। रेक्सिन भाई, आपने बहुत बढ़िया काम किया, हमारे लिए टेबल चेयर बाहर लगवा दिया, अभी क्या है यहाँ पर बैठ के नाश्ता करेंगे, कितना मजा आएगा। अच्छा, आलू परांठा रेडी है? हाँ रेडी। साथ में क्या अचार मिलेगा कि दही मिलेगा? दही, शायद दही मिलेगा। हाँ थैंक यू। आइए जी, आपके पास काली मिर्च होता है? काली मिर्च नहीं होगा? चलो कोई बात नहीं, नहीं भी है तो चलेगा, कोई इशू नहीं है, बैठ जाओ आराम से। आलू का परांठा बनाया? लोकल आलू। वेरी गुड। आपके पास यहाँ पर सेब का पेड़ दिख रहा है? जी हाँ जी, मैंने वहाँ भी एक दो पेड़ देखे थे जी हाँ। टोटल कितने आपके पास सेब के पेड़? 58 पेड़ है जी अभी। आपके कंपाउंड में? जी कंपाउंड में। मेरा बड़ा मन था अगर आपसे मेरी पहले मुलाकात हो जाती तो आपको मैं बोलूँ कि मुझे लोकल फूड आप बना दो जी हाँ, मतलब लद्दाख का खाना। लद्दाख का खाना जी हाँ। तो अगर मैं आपको बोलता बना देते? जी बना दे। लद्दाख की एक ब्रेड होता है मोटा सा, खम्बीर। हाँ खम्बीर। इसके अलावा? और टप्पू होते हैं, टप्पू सबसे महंगा वाला टप्पू, मतलब अच्छा वाला क्वालिटी वाला टप्पू। इसका बनाते हैं एक कुर्बानी के तेल को बनाते, कुर्बानी के गुटी को बनाते हैं, मतलब जो कुर्बानी एप्रिकॉट होता है ना सर, एप्रिकॉट, उसका गुटी गुटी जो पीस होता है। क्या बनाते हैं उसका? उसको पिसा के आटे में मिला के उसको टप्पू बनाते हैं, टप्पू बोलते हैं। टप्पू जी हाँ। ये तो पता ही नहीं, आपने खाया नहीं होगा अभी तक, ये तो नाम भी नहीं सुना खाना। तो ये वैसे बाई चांस टप्पू बना हुआ आपके पास कल परसों? अभी तो नहीं बना है, इसको मतलब पहले डिमांड पर करना पड़ता है, फिर इसको बनाने में 1-2 घंटा लग जाते हैं। आगे अगर किसी को बोलेंगे तो मिलेगा? हम पक्का मिलेगा टप्पू, हाँ इसी नुब्रा इलाका में मिलेगा। नुब्रा से तो जा रहे हैं हम पेंगोंग जी हाँ, पेंगोंग तो मुश्किल है, मुश्किल है जी, क्योंकि वहाँ एप्रिकॉट होता ही नहीं। तो मैं रात को अगर मैं आपको बता देता हूँ तो मॉर्निंग में आप टप्पू खिला देते हैं? बिल्कुल हाँ जी सर, मिस हो गया।
चेरी कहाँ पर है? चेरी वहाँ पर है। आइए आइए। कौन कौन सा सेब है बता दो। हाँ सेब ये हिमाचल का है, और ये पुराना जो पहले लगता था जमाने में ये यहाँ का लद्दाख का है, तो ये डिलीशियस सेब है। तो आपका मतलब है सेब यहाँ से यहाँ पर जो लगता आ रहा है पहले से लगता आ रहा है? हाँ जी आ रहा है, लेकिन हिमाचल वैरायटी अभी हाल में आई है। जी हाँ। और ये है जी चेरी का पेड़। तो आपने जैसे नहीं अभी आप अपने लिए तोड़ लो, मैं तो भी इसके साथ जमेगा नहीं ना चाय के साथ। जी सर। या मैं ले जाता हूँ रास्ते में खा लूँगा। थैंक यू। और मत निकालो, इतना ही बहुत है। ये फूल गोभी रेडी है सर जी, और वहाँ पर ये सामने वाला बंद गोभी रेडी है, और चीनी सलाद रेडी है। बाकी तो वहाँ पर आगे इसके पीछे वहाँ पर शलगम जो लाल शलगम रेडी है। बहुत बढ़िया जी सर। तो आपने काफ़ी कुछ यहाँ पे ग्रो किया हुआ है। जी सर। बहुत बढ़िया। चलो हम रेक्सिन भाई चाय पी के निकलते हैं। जी थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, अच्छा रहा हमारा आपके पास में स्टे। जुले सर। जुले बहुत बढ़िया। थैंक यू सर जी, वेलकम सर। अच्छा भैया थैंक यू, बाय। जुले बाय। अभी हम खाली 5 किलोमीटर आगे आए हैं, गाड़ियां यहां पे रुकी हुई हैं क्योंकि पुलिस ने आकर बोला कि आगे नहीं जा सकते क्योंकि रास्ता बंद है, पानी ना रोड के ऊपर आया हुआ है। तो अब बस वेट कर रहे हैं, इनसे पूछते हैं क्या सीन है। आप लोग पैंगोंग के रास्ते पे कितने किलोमीटर यहां से गए हो? 6-7 किलोमीटर आगे गए, वहां से वापस भेज दिया। हाँ 6-7 किलोमीटर आगे गए। हाँ उसके बाद हम लोग रिटर्न आए, मतलब सभी पूरा आप देखोगे पूरा गाड़ियों का ताफा ही है बेसिकली, कोई भी नहीं जा पा रहा है। यहाँ से लोग ले से जा सकता है ना? ये अपने ड्राइवर से पूछते हैं। तो आप लोग अभी खारदुंगला से जाने का प्लान कर रहे हो? हाँ खारदुंगला से जाने का ही हम लोग प्लान कर रहे हैं। खारदुंगला से 1.5-2 घंटा लंबा पड़ेगा? हाँ 1.5-2 घंटा लंबा, बट अभी क्या करें, अभी बुकिंग वगैरह वहाँ पे है। हाँ। तो आज ही जाके एक्चुअली जल्दी निकले सुबह, लेकिन यहाँ पे इशू हो गया। हाँ आई नो। चलो फिर आप लोग चलो, नाइस मीटिंग यू, और पैंगोंग में मिलेंगे। आइए फोटो ले लेते हैं। यहाँ से रास्ता जो है ना पैंगोंग जाने के लिए वो बंद है क्योंकि सब लोग यहाँ से वापस आ रहे हैं। तो अब यहाँ नीचे से जा सकते हैं। अब डॉर्जी भाई का कहना ये है कि नीचे से भी रास्ता बंद है, लेकिन फिर भी एक बार जाके देखते हैं क्योंकि सारी गाड़ियाँ अब नीचे से निकल रही हैं। चल के देखते हैं, जरा आ जाओ। परसों जब हम इस पुल के ऊपर से निकले थे ना, तब पानी का इतना लेवल नहीं था। देखो अब पिछले 1-2 दिन में बरसात हुई है ना, साथ में 2-3 जगह बादल फटे हैं, अब पानी का लेवल बढ़ गया है। अभी हम लोग खालसा चौराहे पे आ गए हैं, काफी सारी गाड़ियां यहाँ के रुक गई हैं। अब मसला क्या है, हम लोग यहाँ से खारदुंगला होते हुए ले के साइड से निकलते हुए पैंगोंग जा सकते हैं? हाँ वो तो जा सकते हैं। तो फिर चलो हम क्यों रुके हैं यहाँ पे, अभी तो जाने का रास्ता होना चाहिए। अभी तो सारा रास्ता बंद है, इसीलिए तो सब परेशान है सर। मुझे इतना बताइए ये रास्ता अगर हम सीधे चले जाए। हाँ ये तो सीधे चल जाए, हमें कहाँ पे रास्ता खराब मिलेगा? इधर ही सामने ना। कितने किलोमीटर? इधर से 2 किलोमीटर आगे तो बने 5 किलोमीटर। अच्छा उसके आगे नहीं जा रहा? उसके आगे तो नहीं है जा सकते। तो मैं आपकी बात से ये समझ रहा हूँ कि सारी गाड़ियाँ जो यहाँ रुकी हुई हैं सब इंतजार कर रहे हैं कि इंतजार कर रहे हैं 2-4 घंटे वेट करो। हाँ सही बात। डॉर्जी भाई काम करें, हम लोग ना 5 किलोमीटर तो ज्यादा नहीं होता, एक बार खुद जाके देख के आए, क्योंकि यहाँ पर तो क्या हो रहा है हमें खुद कोई नहीं देख कर आया, सब सुनी सुनाई बात है, खुद जाके देख के आते सीन क्या वहाँ पे। कोई बात चलेगा ना। रेक्सिन भाई क्या हाल है? बस सर ठीक है, क्या हाल है सर? कमाल होगी, आपसे दोबारा मुलाकात हो गई। तो सर आपका बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, टूर सही चल रहा है। अच्छा। अभी ये बताओ कि आप कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तो हम यहाँ से जा रहे हैं कि पैंगोंग की तरफ। हाँ। तो वहाँ से रास्ता वॉश अवे, मतलब वहाँ से रास्ता बह गया 2 जगह से, तो हम सब वापस आ रहे हैं। तो यहाँ आने के बाद ये पता लगे कि नुब्रा यहाँ से ले जाने के लिए भी वो रास्ता शायद खराब है, जो यहाँ से 5 किलोमीटर आगे है। 5 किलोमीटर आगे भाई ने बताया हमें। तो हमारे पास एक ऑप्शन रहता है कि यहाँ से वापस जाके वो आर्मी वाला, तो वो आर्मी पे डिपेंड करता है कि आर्मी वाला छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ेंगे। कहाँ से? वो पहाड़ के ऊपर से? हाँ पहाड़ के ऊपर से, यहाँ जिसकी जाने से पहले आता है ऊपर जाता है वो वाला रास्ता, वहाँ से लेना पड़ेगा।
तो पहले तो छोड़ते थे, पहले साल भी ऐसा हुआ था, उस टाइम तो आर्मी नहीं वहाँ से छोड़ देते। तो देखते हैं लोग क्या कहते हैं, मतलब एक बार सोच विचार कर रहे हो? हाँ सोच विचार कर रहा है। चलो बढ़िया, हम जा रहे हैं आगे 5 किलोमीटर देखने की सीन है क्या। हाँ सर, और अगर सीन खराब होगा तो लौट कर इधर ही आ जाएंगे। ठीक है सर। वैसे रक्षित भाई के साथ हमने सफर किया था, आंची गए थे, बहुत मजा आया था। अच्छा भाई साहब, धन्यवाद, थैंक यू। खालसर पहुंचकर हमको मालूम चला यहाँ पर कल रात के समय बादल फट गया, जिसकी वजह से देखिए आप कितनी तबाही हुई है। सामने दुकानों के बीच से कितनी तेज रफ्तार में पानी निकलता हुआ आगे बढ़ रहा है। सामने रोड है, रोड तो दिखाई भी नहीं दे रही, बहुत नुकसान हुआ है। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से दूसरा रूट लेते हैं और खालसर को ना गाँव के पीछे से पार करके उस तरफ आ जाते हैं, ये ठीक रहेगा। वैसे वो जो दूसरा रूट है ना टूरिस्ट के लिए ओपन नहीं है, लेकिन हमें बताया गया है कि आज आप वहां से जा सकते हैं। मैंने आपको बताया था ना आर्मी वाली रोड से चलते हैं, सामने जो पहाड़ देख रहे हो, इन पहाड़ों के ऊपर से चलते चलते हमने लगभग 15 किलोमीटर का सफर लिया। ये पानी देख लीजिए, ये सब क्लाउड बर्स्ट का पानी है, मिट्टी के साथ नीचे आ रहा है। कुछ देर पहले मैं आपको बता रहा था ना खालसर में दुकानों के अंदर से पानी निकल रहा है, यही पानी आगे 2 किलोमीटर आगे जाके खालसर में रोड के ऊपर आ जाएगा। अभी सीन ये है कि हमें ना क्लैरिटी नहीं है कि आज हम लेह भी जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। ये तो श्योर होगा कि आज हम पैंगोंग नहीं जा पाएंगे। सिर्फ लेह को लेके भी डाउट इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ से खारदुंग तक तो जा सकते हैं, अब खारदुंग के आगे एक और पुल टूटा हुआ है, उसके ऊपर क्लैरिटी हमें तभी मिलेगी जब हम खारदुंग पहुँचेंगे। ये रास्ता सीधा ना लेक को जाता है। जब हम ले से नूबरा वैली आ रहे थे ना तो हम इधर से आए थे, इधर से आने के बाद हम यहाँ से नीचे चले गए थे और नीचे से हम लोग टीमोर जंक्शन तक चले गए थे, ये हमने रूट लिया था। लेकिन अब देखो इतनी सारी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हैं, ये इसलिए खड़े हैं क्योंकि अभी 2-3 गाड़ी वाले आए हैं ले साइड से, तो उन्होंने बताया कि यहाँ से 30 किलोमीटर आगे रास्ता बंद है, पानी रोड के ऊपर आ गया है और एक दिन भी लग सकता है और 2 दिन भी लग सकता है क्योंकि इतना पानी वहाँ से निकल रहा है रोड के ऊपर से। तो मैंने उनसे पूछा कि जितना पानी नीचे जा रहा है उतना, कहते नहीं उससे भी ज़्यादा। ले जाना थोड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा है, बाकी जब तक खड़े हैं डिस्टेंसेस देख लेते हैं। हम खालसर गाँव के ऊपर खड़े हैं, खालसर गाँव नीचे है, पानी दुकानों के नीचे से निकल रहा था हमने देखा था ना, तो पहाड़ी के ऊपर 0 किलोमीटर खारदुंग के आगे पुल टूटा हुआ है, पुल टूटा है या कुछ मसला है यहाँ पर, इधर दिक्कत है, बाकी सब तो क्लियर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो लोग आज लेह से चले हैं नूबरा वैली आने के लिए, उन लोगों को यहाँ पर रुकावट आएगी इस जगह, तो उनको तो खबर होगी नहीं। और हैरानगी की बात ये है, आज सुबह 5 बजे से जब से मैंने अपना मोबाइल फ़ोन पहली बार देखा तब से लेके अभी तक मोबाइल नेटवर्क पूरी नूबरा वैली में नहीं है, ना हुंडर साइड मोबाइल नेटवर्क चल रहा है, ना ही मोबाइल नेटवर्क वहाँ पे चल रहा है जहाँ हम रुके थे ना सुमर साइड में, 0 नेटवर्क, इनफैक्ट BSNL भी डाउन हो गया। अब ऐसा है यहाँ बैठकर तो कोई फ़ायदा नहीं है, या तो नूबरा वैली वापस चले जाएं, बेटर रहेगा एक काम करते हैं यहाँ से हम ना खारदुंग चलते हैं, वहाँ जाके देख लेते हैं खुद सीन क्या है।
अगर आगे जाने जैसा होगा तो जाएंगे, नहीं तो ऑब्वियसली वापस आ जाएंगे। हम खारदुंग पहुंच गए हैं, अब यहाँ पर पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आगे का रास्ता खुला है कि बंद है, और फिर हम आगे की जर्नी करेंगे। जिस कैफे में हमने कॉफी पी थी, गाड़ी हमने उसके बाहर ही रोकी है। मेरे को यहाँ की कॉफी अच्छी लगी थी ना। मुझे ये लग रहा है कॉफी पी के ना हमको आगे चलना चाहिए 30 किलोमीटर। अगर तो रास्ता खुला मिल गया तो ले निकल जाएंगे, अगर लगा 2-4 घंटे रुकने के बाद खुलने के चांस है तो वहां वेट करेंगे। सिनेरियो नंबर 3, रास्ता बंद हुआ तो वापस यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पर कुछ लेंगे, यही ठीक रहेगा। क्योंकि अब मुझे लगता है नोबरा वैली वापस जाने में तो सेंस नहीं है, क्योंकि हम काफी ज्यादा आगे आ गए। सुबह सोच रहे थे हम पैंगोंग हम टाइम पे पहुंच जाएंगे तो लेक का व्यू अच्छा देखने को मिलेगा, हमारे पास समय होगा वहाँ बढ़िया से गुजारने के लिए। और अब पैंगोंग तो छोड़ दो, अब तो ले के बारे में भी श्योर नहीं है कि ले जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। चलो कोई बात नहीं, सफर में सब होता रहता है, अपने आप को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखने का। खारदुंग से ना अभी हम 2 किलोमीटर आगे आए हैं, और यहाँ के मालूम चला है कि कल रात को यहाँ रोड के ऊपर पानी आ गया था, और इतना पानी का बहाव था कि रोड को उड़ा के ले गया। अब इन्होंने आज सुबह इस रोड को दोबारा बनाना स्टार्ट किया है, कम से कम 2 से 3 दिन लगेंगे रोड को प्रॉपर दोबारा तैयार करने में। ऑल्टरनेट रास्ता तो पता लग गया है, पीछे देखो हमारी गाड़ी ना वहाँ पर खड़ी हुई है, तो हम तो पैदल आगे आ गए। तो ऑल्टरनेट रास्ता ये है कि सामने जहाँ से इनोवा आ रही है ना, वहाँ से ऊपर चढ़ते हुए हम लिंक रोड के थ्रू वो घूमते घूमते 3-4 किलोमीटर का सफ़र करते हुए पहाड़ के उस पार चले जाएँ। अब क्योंकि यहाँ आ ही गए हैं तो एक बार देख लेते हैं क्या डैमेज हुआ है कल रात के समय। आप लोग भैया मोबाइल टावर का काम कर रहे हो, मोबाइल नेटवर्क तो बंद हुआ पड़ा पूरा। आ गया जियो एयरटेल दोनों आ गया। हाँ वो पूरा नूबरा वैली में तो आ ही नहीं रहा था, यहीं कट गया था। सुबह अर्ली मॉर्निंग से प्रॉब्लम थी, अब देखो यहाँ पे कटा है और पूरा नूबरा वैली विदाउट नेटवर्क हो गई। मैंने आपको बताया ना रोड को भा के ले गया पानी, ये देखो जी कहाँ पे रोड थी, और फिर सुबह सुबह आ गए इन्होंने रोड दोबारा बना दी। अब मेन दिक्कत क्या है जिसमें 2 से 3 दिन क्यों लग रहे हैं, ये काम तो फटाफट कर दिया, ये है मसला। 2 दिन पहले जब हम नूबरा वैली आए थे ना, हम यहाँ से आए थे इस ब्रिज के ऊपर से, और अभी देखो क्या हाल है, ये देखो रोड कैसे टूट गई। खारदुंगला पास हम पहुंच चुके हैं, ठंड यहाँ पे ना थोड़ी ज्यादा है, तो बेटर है स्वेटर के ऊपर भी जैकेट पहन ली जाए। जितने भी लोग आज ले से खारदुंगला तक आए हैं, यहां से वापस चले गए, कोई भी टूरिस्ट यहां से आगे नहीं गया नूबरा वैली तक, क्योंकि हम तो देख के आ रहे हैं वहां पर सीन क्या है। अब यहां पर खबर पहले से आ चुकी थी तो उन्होंने टूरिस्ट को वापस भेज दिया कि आप आज रात को ले में रुको। सामने देखो ना कितना मस्त सीन है, बर्फ ही बर्फ है हर तरफ। पुलिस
मामले ज्यादा तेज हो गए हैं। टक 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 बोले भी कर रहे हैं। चलो एक काम करता हूँ, अब मेरे को भी चालू करता हूँ, ऐसे ठीक रहेगा। अभी ना बारिश स्लो हो गई है, आराम से कंफर्टेबली हम यहाँ खड़े हो सकते हैं, साथ में बिस्किट खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, बहुत कूल। बस हम 2-3 मिनट यहाँ पर और रुकेंगे और फिर हम नीचे की ओर चल रहे हैं। खारदुंगला से 15 किलोमीटर का सफ़र करके हम साउथ पुलू पहुंच चुके हैं। जब आप ले से खारदुंगला की ओर आओगे ना, क्योंकि आप नूबरा जाना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे ना एंट्री करवानी पड़ेगी। सामने पोस्ट है, चाहे प्राइवेट व्हीकल हो चाहे कमर्शियल हो, फिर आप इसी रास्ते से आगे चले जाते हो। खारदुंगला तो अभी हम देख कर आए हैं, 18,000 फीट पर है और ये जगह 15,300 फीट पर है। ले किधर है? ले इधर है, बेसिकली ये रास्ता ले को जाता है। ले यहाँ से 25 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। आओ आगे चलकर मैगी का ऑर्डर देते हैं। मैगी के साथ ना मैंने ऊपर ऑमलेट डलवा लिया। आज के इस मैगी के टेस्ट में ना मौसम ने 4 चांद लगा दिया, बहुत खूबसूरत। बाकी मैगी बनाई भी अच्छी है। चलो अब आपसे हम कुछ देर में दोबारा मुलाकात करेंगे। यहाँ से लेके रास्ते में कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाएगा तो बहुत बढ़िया, और रास्ते में जहाँ नेटवर्क आएगा ले में कहाँ रहना है वो फिक्स कर लेंगे और होमस्टे या होटल पहुँच जाएंगे। ले से अभी हम 12 किलोमीटर दूर हैं, गाड़ी हमारी फिर से रुकी है। सामने ना रोड वाइडनिंग पे काम चल रहा है, जो बड़ी बड़ी रोड साइड चट्टाने हैं ना उनमें होल किया जा रहा है जिससे कि रास्ता बन जाए। एक चीज़ खास है इस मशीन के बारे में, इसको ना रिमोट से ऑपरेट करते हैं। अब क्या होता है, अगर कोई पर्सन अंदर बैठा हो तो पत्थर गिर जाए, चट्टान गिर जाए, उसका रिस्क तो होता ही है, तो रिमोट से ऑपरेट करने में वो रिस्क नहीं है। हम फाइनली ले पहुंच चुके हैं, डेविड साहब से हमारी मुलाकात हो गई है। वेलकम बैक। ओह थैंक यू सो मच। और अच्छी बात बता ये है कि इनके पास आज 2 रूम्स अवेलेबल थे, तो अब आपकी जगह देखी हुई है। वी लाइक दिस प्लेस सो मच कि हमारे को एक इमिडिएटली माइंड में आया कि पहले आपसे चेक करें, अगर अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो फिर देखेंगे वॉट बेस्ट वी कैन डू। तो एक और अच्छी बात यह है कि इन्होंने मेरे को वही रूम दे दिया जो इन्होंने पिछली बार दिया था। एकदम सामने वाला रूम है वो देख लो, ग्राउंड फ्लोर में ना, तो वहाँ पर ट्विन बेड है, तो मेरे को ट्विन बेड में थोड़ा ज़्यादा कंफर्ट रहता है, एटलीस्ट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरी बात क्या है, बगल में ही बाहर आके बैठ जाओ वो भी है। अब सीन ये है कि कल हम ले में रुके जी, या हम कल पैंगोंग जाएं, उस बात को लेकर मैं थोड़ा डबल माइंड हो रहा हूँ, क्योंकि हम रिटर्न में सोच रहे हैं ले ना आए। हम जब जाएंगे ना पैंगोंग, हानले, सो मोरिरी, तो हम सोच रहे हैं सो मोरिरी से मनाली चले जाए, तो ये डिसीजन हम बाय एंड ऑफ द डे ले लेंगे कि मनाली से एग्जिट करना है नहीं करना। तो बिकॉज अभी मनाली में ना पूरी तरह से सीन ठीक नहीं हुआ, यहाँ भी वेदर का भी सीन थोड़ा सा उतना स्टेबल नहीं है, स्टेबल नहीं है, ट्यूसडे तक थोड़ा खराब है। हाँ, तो ये थॉट्स को फिक्स करते हुए हम एंड ऑफ द डे डिसाइड कर लेंगे। तो अगर हमें कल जाना होगा पैंगोंग तो अर्ली मॉर्निंग निकल जाएंगे, नहीं जाना होगा तो कल हम दोबारा स्टे बैक कर लेंगे।
तो ये रात में 8-9 बजे तक प्रोस कॉन्स अच्छे से सोच के डिसाइड कर लेते हैं। अब आपके साथ बैठ कर आराम से चाय पीते हैं, ठीक है, और अपने 3-4 दिन की कहानियां बताते हैं क्या क्या हुई है। हल्का सा बताया और बताते हैं लास्ट 3 डेज कैसे बीते और बहुत इंजॉय किया हमने, राइट है। हमारा एपिसोड आज का यहीं पे फिनिश हो रहा है, राइट है। थैंक्स फॉर योर टाइम।